लगे नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा शाहबाद जिला प्रशासन। प्रदेश भर में जिस तरह के कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार दिन प्रतिदिन सख्त रुख अपना रही है, पर अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें तो अधिकतर कर्मचारियों के मुंह से मास्क गायब है। और जब मीडिया ने इसकी पड़ताल की तो बीडीओ ऑफिस शाहबाद में कार्यरत एक कर्मी से मीडिया ने सवाल पूछा कि आपका मास्क कहाँ है, आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो वह उल्टा मीडिया से ही उलझ गया और मीडिया समेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नसीहत दे डाली और मास्क पहनने के सरकार के फैसले को भी गलत बताया। जब इस विषय पर शाहबाद एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा वो लगातार लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए आदेश दे रहे हैं, पर फिर भी अगर कोई कर्मचारी इस तरह की बात करता है तो जल्द ही इस मामले की जांच कर उस पर भी कार्यवाही की जाएगी, पर यह कार्यवाही कब होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। पर आम आदमी पर हर जगह मास्क के साथ घूमना और मास्क ना होने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, इन लोगों पर प्रशासन कब लगाम लगाएगा जो दिन में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। आपने मेरे संज्ञान में लेकर के आए हैं, मैं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से इस विषय में बात करूंगा और अगर कर्मचारी दोषी है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो कोई जो है हॉस्पिटल में 3-4 दफ़ा मैंने भी विजिट किए हैं और हम लोगों को सेंसिटाइज तो लगातार कर ही रहे हैं और आपके माध्यम से भी पुनः हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड 19 या कोरोना महामारी जो है वो पुनः एक दोबारा बढ़ रहा है, इसमें सब लोगों से मेरी अनुरोध है कि वो कोविड 19 का जो है वो अनुपालन करें जो हिदायतें हैं। मास्क बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हथियार है इस लड़ाई से, इस जंग में जीतने के लिए, तो उसका तो हर व्यक्ति को जो है पहन करके जो है वो रखना चाहिए। इसके अलावा 2 गज की दूरी है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, बार बार हाथ धोने का प्रक्रिया है, इन चीज़ों का भी जो है लोगों को ध्यान रखना चाहिए और उन्हें निश्चित तौर पे से इनकी अनुपालना करनी चाहिए ताकि वो जो है स्वस्थ रह पाए। जैसे सर धर्म में जो है वैसे तो पहले ही जो है वो गाइडलाइन जो है वो जारी हुई हुई हैं, परंतु सब डिवीज़न लेवल पे मैं ये धार्मिक संस्थाएं जो हैं उनके सभी लोगों को एक बार आज बुलाएं भी गए और उनमें उनसे हमारा यही अनुरोध है कि लोगों को जो है बहुत इकट्ठा ना करें ताकि इस महामारी को पनपने का अवसर ना मिले।